बोकारो के सर्किट हाउस में फिल्म एज 17 के पोस्टर लॉन्चिंग में पहुंचे बोकारो विधायक। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही कम समय, लगभग एक महीने के अंदर तैयार मूवी एज 17 का बोकारो के सर्किट हाउस में पोस्टर लॉन्चिंग किया गया, जहां लॉन्चिंग के अवसर में मुख्य अतिथि के रूप में बोकारो के विधायक वीरेंद्र सिंह नारायण शामिल हुए। जहाँ फिल्म के कलाकारों और निर्देशक को अच्छी मूवी का निर्देशन के लिए शुभकामनाएं दी, वहीं उन्होंने कहा कि इस फिल्म में 17 वर्ष की आयु में युवक युवतियाँ अपने जीवन काल को लेकर क्या सोचते हैं, वो जीवन में किस दिशा उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उन विषयों को लेकर फिल्मांकन किया गया है। इसमें सारे कलाकार बोकारो के हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। बोकारो के आर्टिस्ट आगे बढ़े, खूब नाम कमाएं और बोकारो का नाम रोशन करें। वहीं इस फिल्म के निर्देशक गुड्डू रूप, जो बोकारो के ही निवासी हैं, उन्होंने बताया कि 17 वर्ष में बच्चे या तो कुछ अच्छा बनने की तरफ अग्रसर होते हैं या बिगड़ने की तरफ। इस फिल्म में 5 ऐसे कलाकार हैं जो कम उम्र में गरीबी को झेलते हुए संघर्ष किया है और बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे। पेशे तबके के लोग एक संदेश के तौर पर फिल्म में दर्शाया गया है। इस फिल्म में सभी कलाकारों ने अपने अभिनय का अच्छा प्रदर्शन किया है, जो आगे चलकर कामयाबी हासिल करेगी। उस कमा के बाद पढ़ाई भी पूरा करते हैं और उसके बाद फिर मिलके वो कहीं ना कहीं एक अच्छे कामयाब बिजनेसमैन भी बन जाते हैं। वो इसी स्टोरी पे आधारित है। तो जल्द ही हमारी जो मूवी है ओटीटी प्लेटफॉर्म में आने वाली है और इसमें सबसे मैंने कि विनती है कि सबको देखें। और एक बोकारो के लिए बहुत गर्व वाली बात है कि एक बोकारो के डायरेक्टर ने और बोकारो के अप्रॉक्स 70% आर्टिस्ट ने मैंने इसमें काम किया है। तो सभी को मिलकर थोड़ा सपोर्ट करना है और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इसको पसंद करें और सहाराएँ। धन्यवाद। मेरा नाम आरजी कश्यप हो गया, इस फिल्म का एक्टर हूँ मैं। जी सर, ये एक ऐसी मूवी है जो एडुकेशन बेस पे है और इसमें सभी कम एज के लोगों ने काम किया है, जो जिनकी उम्र 17-18 है। और ये ऐसी मूवी है जिसमें लोग 17 और 16 साल की उम्र में लोग काफ़ी मतलब चुलबुले होते हैं, लोग अपने करियर पे ध्यान नहीं देते हैं। बट इस मूवी में ये दिखाया गया है गरीबी से उठकर लोग अपनी कामयाबी, अपने सपने को पूरा कैसे करते हैं, ये सारा इस मूवी में दिखाया गया है। इसमें बहुत एक लड़की है जो रिक्शा चालक की बेटी है और वो अपने सपने को जीने के लिए कितनी भी मुश्किल क्यों ना है, उसे लड़ते हुए अपने सपनों तक पहुँचती है। और मैं कहना चाहूँगी कि ये मूवी बहुत अच्छी है और पूरी फैमिली के साथ ये देखने लायक मूवी है, तो आप सब देखें और सपोर्ट करें। 1 और 1.5 महीने के अंदर में ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाएगी। जी, मेरा नाम डॉली जस है, मैं इस मूवी की आर्टिस्ट हूँ और सिंगर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी।